नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा फिर से नई एडवर्टाइजमेंट निकालने का काम कर दिया गया है। छह प्रकार की जो है भर्तियां निकाली गई साथियों। अगर आप साथी भी इच्छुक हो तो मौका है इनके अंदर भी फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन ये भर्तियाँ कुछ अलग टाइप की हैं साथियों। 30,000 से ज़्यादा जो है सैलरी रहने वाली है, तो आप साथियों को दिखा देते हैं पूरी पूरी डिटेल कि कहाँ पर जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है और किस प्रकार के जो है भर्तियाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा निकालने का काम कर दिया गया है। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम साथियों एक बहुत ही बड़ा प्लेसमेंट पोर्टल बनने वाला है। जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ पर भी जो है रिक्वायरमेंट सेंड करेगा। जिस प्रकार से HSC एक संस्थान बनाया गया था, बस जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो वहाँ पर जितने भी रेगुलर कर्मचारी भर्ती होंगे तो वह HSC से होंगे, उसी प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी इसी प्रकार से बनाया गया है। बस जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो भी भर्ती होंगी तो वह हरियाणा कौशल निगम तो होंगी, चाहे कोई प्राइवेट संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट संस्थान हो। साथियों, जिन साथियों के पास में गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है और जिसका वेरीफाई हो रहा है, उन साथियों को सबसे पहले प्रेफरेंस देने का काम किया जा रहा है इन भर्तियों के अंदर। तो आप साथियों को दिखा देते हैं जो नई एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है तो उसके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ आई हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के द्वारा नई एडवर्टाइजमेंट निकालने का काम कर दिया गया है। और ये जो भर्तियां हैं साथियों, संविदात्मक आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु निकाली गई हैं। कुछ और अलग टाइप की जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर निकाली गई हैं वो भी आपने दिखावांगे। इसके अंदर जो है आरंभ में आपको एक वर्ष हेतु पूर्ण संविदात्मक आधार पर रखा जाओगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पंचकूला के अंदर। पदों को भरने तो आवेदन आमंत्रित करी जाऊँ भाई। इस प्रकार से सबसे पहले तो देख लीजिए, बस जनरल मैनेजर की है और हाईएस्ट लेवल की जितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह है या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर काम कर रखा है तो वही इसके अंदर जो अप्लाई कर पाओगे कुछ पोस्टों में। तो उससे आगे देख लीजिए साथियों, बस जनरल मैनेजर की उससे आगे आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और RTI MIS सुपरिटेंडेंट की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है साथियों। तो इस प्रकार से चार टाइप की भर्तियां निकाली गई हैं और इन्होंने कहा भाई जो इनको पे स्केल दिया जाओगा उन पे स्केल के तहत जो है देने का काम किया जाओगा। ये 14 जुलाई 2023 को 11:59 बजे तक भाई, यो जो पता दे रखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का अर्थात HKRN वेबसाइट भाई, इस प्रकार से जो के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात वेबसाइट का लिंक जो है निष्क्रिय कर दिया जाओगा। 27/6/2023 ने जो एडवर्टाइजमेंट निकालने का काम किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा और जल्द इनका लिंक जो शुरू कर दिया जाओगा HKRN के पोर्टल के ऊपर। साथियों, अगर कोई भी इच्छुक हो तो भाई इन भर्तियों के अंदर जो अप्लाई कर सका है। और उसके बाद में जो आगे जो भर्ती आई हैं दो और इस प्रकार से जो भर्तियां निकालने का काम किया गया साथियों, प्रतिनियुक्ति आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु भाई 1 साल लग ये पद भरे जाने हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। 1 साल लग इनकी डेट दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट पहली की एक पोस्ट दी गई है भाई, DGM होना चाहिए, MBA उसके पास में होनी चाहिए करोड़ी, 2 साल का इसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलिजिबल है, 75,000 रुपये जो है पे स्केल इसको देने का काम किया जाओगा और 2.5% जो इंक्रीमेंट है इसका होगा भाई पर ईयर में, यानी कि 1 साल के बाद में जो है 2.5% इसका जो 75,000 है इसका करने का काम कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती निकाली गई साथियों, वह 22 जिले के अंदर जो है भर्ती निकाली गई है। 30,000 रुपये इसके अंदर जो है मंथली सैलरी देने का काम किया जाएगा और 2.5% जो है इंक्रीमेंट भी लगेगा साथियों वह प्रत्येक साल में, और 3 साल का इसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, और ग्रेजुएशन इसकी पोस्ट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन यानी कि इसके पास में डिग्री होनी चाहिए साथियों। और उसके बाद में इन्होंने भाई अपनी दे दिए प्लानिंग मैनेजमेंट या स्कीम इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, तो इनके अंदर जो इसको काम करोड़ होना चाहिए और विथ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर MS की। और इच्छुक पात्र जो है नियमित अधिकारी अपना आवेदन HKRN की वेबसाइट पर यानी कि उपलब्ध है भाई, और 14/7/2023 लग जो है अपने विभाग संगठन के विभाग प्रमुख की सिफारिशों के साथ अध्यक्षाक्षरित यानी कि साक्षात्कार करवा के भाई भेज सकते हैं मूल विभाग से। NOC अनिवार्य होगी भाई, ठीक है, NOC लेनी पड़ेगी भाई, जो भी साथी वहाँ पे लगे हुए हैं जो डिपार्टमेंटों के अंदर, तो उन्हें NOC वगैरह लेके अपना ये जो प्रपत्र है 14/7/2023 से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफिस में भेजना होगा, साइट के ऊपर इसका परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। तो यही कुछ भर्तियाँ आप साथियों ने लेके आए थे। इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो भाई बड़े पदों पर और जो भर्तियाँ निकालने का काम कर दिया है।
क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लेसमेंट पोर्टल ये बनने वाला साथियों। तो हर टाइप से हरियाणा कौशल को इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ऑफिस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाने लग रहा है, और जितनी भी यानी कि जो भी ऑल वर्कर हैं या फिर जो नई भर्तियाँ निकल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर वह इतने ज़्यादा फॉर्म वगैरह जावा साथियों, और उसके अंदर आटे वगैरह भी लगा है भाई, कोई केस भी हुआ है, तो हर प्रकार से हैंडल किस प्रकार से किया जाए इसका है सारे सिस्टम को, तो इसलिए नई नई भर्तियाँ हो रही हैं। तो आप सतले बस यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप सतने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।